क्या हम इनको खुश रखने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। मेरी खुशी का नाम है मंसूबे। हर पल को जी लो अच्छी तरह से खुशियों के साथ। मैं इस वक्त कराची पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, सेनेटर कैफे के अंदर मौजूद हूँ। जब ये पांचों खसूसियात तुम देखो ना अपनी बेगम के अंदर, तो अकेले में मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें उसके साथ क्या करना है। वीडियो बताऊंगा तो सारी औरतें पकड़ के मारेंगी। आपकी फैमिली के दरमियान डिस्टेंस पैदा कर रही है क्या? आपको रात रोजाना आपकी फैमिली के बारे में कान भर रही है? हर गधा मर्द ये समझता है मेरी बेगम शायद मेरी हम सफर है। दोस्तों ये कभी गलती से मत सोचना। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। दिस मंसूर नकवी, आई एम द प्रेसिडेंट सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप ऑफ द कंपनी। दोस्तों आज के हम आपको सेनेटर की जबरदस्त किस्म की आपको डिशेस दिखाएंगे। आज हमारे पास ये तीन स्पेशल शेफ डिशेस मौजूद हैं, जिसके अंदर श्रिम, जिसके अंदर प्रॉन एंड स्पेशल पीटा डिश मौजूद है। और इन तमाम डिशेस के अंदर बड़ी स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं। आज हम सेंटर कैफ़े के अंदर रूस फातिमा के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ, शहर के साथ, मजबूरी के साथ सेंटर कैफ़े के अंदर बैठे हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो में जो हम आपसे बात शेयर करना चाहेंगे कि हर पल को जी लो अच्छी तरह से खुशियों के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस वक्त कराची पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, सेनेटर कैफ़े के अंदर मौजूद हूँ। अपने कैफ़े के अंदर बहुत यहाँ पे तरह तरह के हम फूड इंजॉय कर रहे हैं। आज का जो आपका मेरा मैसेज है कि खुश कैसे रहा जा सकता है। दोस्तों खुशी की रहने की कोई भी लिमिट नहीं है। खुशी आपको खुद ढूंढनी होती है, खुशी आपको खुद महसूस करनी होती है, खुशी आपको बांटनी होती है। दोस्तों लाइफ के अंदर जब भी आप ये महसूस करें कि मुझे खुश रहना है, तो उसके लिए पहली शर्त है कि आपको दूसरे को खुश रखना है। तो हम ये सवाल पूछेंगे आज शहर से कि क्या हम इनको खुश रखने में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो लेट्स आस्क द क्वेश्चन टू शहर। आप बताएं खुशी के लिए आपको कुछ, हमने कुछ खुश करने की कोशिश की है या नहीं की है? मेरी खुशी का नाम है मंसूबे। ओह माय गॉड, ये तो आज उन्होंने बहुत ही बटन लगा दिया। लग रहा है डॉल्फिन मॉल करीब है, आज तो मेरा वॉलेट गया काम से। दोस्तों इन्होंने तो अजीब सी बात कर दी कि खुशी का नाम ही मेरा मंसूर है। मैं इससे बड़ा और क्या सवाल पूछ सकता हूँ? देखिए मैं आपको हमेशा दुनिया में कहता हूँ कि अगर आपको जिंदगी के अंदर सही खातून से शादी हो जाए तो समझो दुनिया में ही आपको जन्नत मिल गई। दोस्तों ये मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट ज़रूर करूँगा। हर गधा मर्द ये समझता है कि मेरी बेगम शायद मेरी हम सफ़र है। दोस्तों ये कभी गलती से मत सोचना, क्योंकि तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये तुम्हारी वाकई तुम्हारी मुखलिस है, क्या ये तुम्हारी। मैं आज आपको पांच ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसमें आप आइडेंटिफाई आप कीजिएगा कि क्या तुम्हारी बेगम वाकई तुम्हारी हमसफ़र है या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना रही है। पहला पॉइंट मैं आपको दूंगा, उसके अंदर पहली चीज़ क्या वो आपको आपकी फैमिली के दरमियान डिस्टेंस पैदा कर रही है, पहली चीज़। नंबर टू, क्या आपको रात रोज़ाना आपकी फैमिली के बारे में कान भर रही है। नंबर दो। नंबर तीन, जब अकेले कमरे में होते हैं तो आपको डराती है और आपको डरा के बताती है कि तुम्हारा भाई ये और तुम्हारी माँ ये और तुम्हारी ये। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, अपने घर वालों की क्या बेतहाशा तारीफ़ करती है। और पाँचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हर वक्त
ये साबित करने की कोशिश करती है कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, सच्ची हूँ। जब ये 5 खसूसियात तुम देखो ना अपनी बेगम के अंदर, तो अकेले में मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बताऊँगा तुम्हें उसके साथ क्या करना है, वीडियो बताऊँगा तो सारी औरतें पकड़ के मारेंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी।